नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन परिचय देखेंगे हम लोग, ऐसे व्यक्ति की बायोग्राफी देखेंगे हम लोग, कि जब भी आप लोग सोशल मीडिया पर जाते हैं या टीवी खोलते हैं या कहीं भी आप लोग पढ़ने को मिलता है न्यूज़पेपरों में, सबसे पहले आता है अमित शाह का नाम। फिर चाहे उनके अध्यक्ष के रूम में बीजेपी के जब अध्यक्ष रहे हैं उस समय की बात की कह लीजिए, चाहे उन्होंने जब से होम मिनिस्टर मतलब बने हुए हैं, गृह मंत्रालय संभाला हुआ है, उसके बाद उनके फैसलों को ले लीजिए, एक के बाद एक फैसला, मतलब बैठने का, चैन से बैठने का तो इन्होंने नाम ही नहीं लिया है। एक समय पर आप देखते थे कि बीजेपी कितनी कमज़ोर हुआ करती थी। कहा जाता है कि इसको आगे बढ़ाने में और कई राज्यों तक जहां आप देखते हैं कि नाम भी नहीं था बीजेपी को, वहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान अमित शाह का ही माना जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? और यहाँ तक कि कई लोग तो इन्हें इन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बीजेपी का चाणक्य। चाणक्य की बात आप लोगों ने देखी थी, अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने बायोग्राफी कवर की हुई थी। चाणक्य भी एक महान थे जिन्होंने एक बिल्कुल निचली जाति की लड़की को उठाकर देखिए मगध का राजा बना दिया। समझ रहे हैं? तो वो भी मतलब महान थे। इसी तरह इन्हें भी बीजेपी का चाणक्य कह दिया जाता है। चाणक्य को देखिए राजनीति का ज्ञान था, अर्थशास्त्र का ज्ञान था, विद्वान थे, तो इनमें भी यही सभी देखी जाती है योग्यताएं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। याद रखिए, कई बार जो भी व्यक्ति चर्चा में रहते हैं और जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, फिर चाहे आपकी प्रधानमंत्रियों की देख लीजिए, आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर प्रधानमंत्री मोदी तक, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, इन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। फिर चाहे आप राष्ट्रपति के बारे में ले लीजिए, सभी राष्ट्रपतियों को भी हम लोगों ने देखा है। ये है इनकी पिक्चर्स, स्क्रीन पर आपको फिक दिख रही होगी। अगर हम लोग इनकी शिक्षा और जन्म की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में एक गुजराती परिवार में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 22 अक्टूबर 1964 को। 22 अक्टूबर 1964 को इनके अगर पिता परिवार का नाता गुजरात के महसाना गांव से, कहाँ से? महसाना गांव गुजरात से। साय ने अपनी शुरुआती शिक्षा यहाँ के एक स्कूल से हासिल की। साय एक विज्ञान के छात्र छात्र थे और इन्होंने सीयू साय साइंस कॉलेज से विज्ञान के विषय में डिग्री प्राप्त की। एक कॉलेज आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगर हम लोग इनके परिवार की बात करें, यानी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो इनके पिता का नाम अनिल चंद साहे बताया जाता है। क्या? अनिल चंद साहे। और उनका अपना एक व्यापार था, हुआ करता था। किन का? इनके पिताजी का। इनकी अगर माँ की बात करें हम, तो कुसुम कुसुमबा था और एक घरेलू महिला थी। इसके बारे में कोई अधिक जानकारी भी नहीं है इनके पैसे, माँ की पैसे के बारे में कि क्या करती थी। अभी जो करंट में उनकी अगर बात की जाए परिवार की, तो इनकी फैमिली में इनकी पत्नी का नाम सोनल है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं, जय साय। वो पेशे से एक व्यापारी भी है और जय ने निरमा विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की पूरी की हुई है। ये इनका हो गया एक व्यक्तिगत जीवन, ठीक है? यानी कि एक तरह आप समझते हैं हर व्यक्ति का अपना एक पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है। अगर हम लोग राजनीति की बात करें, इनकी जो राजनीतिक करियर इनका चला हुआ है, अगर इसकी बात की जाए और इसे देखा जाए, तो ये 1983 में आरएसएस से जुड़े। और याद रखिए, आरएसएस बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। याद रखिए, आप देखिए अभी जितने भी आपके उच्च पदों पर आपके भारत में बैठे हुए, फिर चाहे आप प्रधानमंत्री साहब को ले सकते हैं, मोदी साहब को, फिर चाहे आप लोग राष्ट्रपति कोविंद साहब को ले सकते हैं, ये दोनों एक समय आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। समझ रहे हैं? आज इन्हें उच्च पद पर बैठाया गया है। अब है एक अधिकतर कहा जाता है कि बीजेपी को आपका आरएसएस ही चलाता है, लेकिन बीजेपी इसे मानती नहीं है, ठीक है? तो सन 1983 में अमित शाह साहब ए आरएसएस से जुड़ते हैं। अमित शाह ने अपने कॉलेज के दिनों में ही राजनीति में आने का फैसला ले लिया था और साल 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी। याद रखिए, आरएसएस के कई संगठन हैं, मतलब इसकी कई शाखाएं हैं, एक तरह से कह दीजिए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये इन्हीं की शाखा है, इसी की शाखा है आरएसएस की।
तो 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एबीपी जिसे कहते थे आप लोग, इससे जुड़े। वहीं आरएसएस से जुड़ने के बाद साल 1986 में वे बीजेपी में शामिल हो गए। किसमें? बीजेपी में शामिल हो गए। याद रखिए, जो बीजेपी है ये आपकी 1980 में बनी हुई है। इन्होंने पार्टी के लिए प्रचार का कार्य करना शुरू कर दिया। इनको साल 1997 में पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया, जिसके बाद इन्होंने गुजरात की सरखेज विधानसभा से सीट पर चुनाव लड़ा और इन्हें चुनाव में जीत भी मिली। यानी कि पहली बार ये 1997 में एमएलए बनते, विधायक बनते हैं। फिर इन्होंने इसी सीट से लगातार 3 बार और चुनाव लड़ा और अपनी जीत दर्ज करवाई, यानी कि 3ों बार इन्हें सफलता मिली। साल 2002 में इन्हें मंत्री का पद मिलता है। कब? 2002 में। गुजरात की विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी पार्टी को जीत मिली तो पार्टी ने साय को राज्य के कई मंत्री पदों की जिम्मेदारी भी दी। जिस वक्त साय को ये मंत्री पद दिया गया, उस वक्त प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इतना ही नहीं, साल 2000 सन 2000 में साय की नियुक्ति अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर भी की गई और वो अपने राज्य के चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी भी आप जानते हैं कि एक मतलब बीरो जय बीरो वाली जोड़ी कहा जाता है इन दोनों को, प्रधानमंत्री और अमित शाह। बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं इनकी बहुत खास मित्र हैं, समझ रहे हैं आप लोग? आप देखिए इनकी मतलब एक तरह से दोनों जुड़वा भाई, या फिर कह लीजिए इतना साथ। मुझे नहीं लगता इतनी दोस्ती किसी की रह सकती हो। आप समझते हैं, जब भी आगे जब भी मोदी साहब को देखते हैं उनके पीछे जस्ट खड़े मिलते हैं अमित शाह। अब आते हैं हम लोग साल 2014 के चुनाव पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट बनती है 2014 में और पूर्ण बहुमत की सरकार, मतलब पूर्ण बहुमत मिलता है बीजेपी को, लेकिन जो भी संघ सहयोगी दल होते हैं उन्हें मिलाकर एनडीए कहा जाता है। तो 2014 में इन्होंने मोदी के लिए प्रचार किया, मोदी साहब के लिए। एक ही राज्य से ताल्लुक रखने वाले शाह और मोदी जी एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। वही साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में साय ने अपनी पार्टी और मोदी जी के लिए प्रचार का काम किया था। इन चुनाव में अपनी पार्टी को शानदार जीत भी दिलवाई थी। आप जानते हैं, एक अच्छी तरह से मतलब कई सालों कई बार के बाद एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ था। इसके अलावा इन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं के लिए भी प्रचार का कार्य किया था। साल 1991 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की थी। आप समझ रहे हैं, 1991 की बात की जा रही है। साल 2014 में बने बीजेपी की राष्ट्र पार्टी के अध्यक्ष, यानी कि इन्हें 2014 में बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया और कहा जाता है कि अभी तक के सबसे सफल अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को विजय पाने के लिए कड़ी मेहनत की। वही उसी साल यानी कि 2014 में इन्हें पार्टी के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दे दी गई, जिसके बाद इनकी अध्यक्षता में पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते और 2016 में एक बार फिर इनको दोबारा इस पद के लिए चुन लिया गया था। परंतु 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार में नए कैबिनेट मिनिस्टर में अमित शाह को गृह राज्य यानी कि होम मिनिस्टर बनाया गया और इसके बाद आपने देखा है कि इनने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। ये अब अभी 2020 की बात कर रहा हूँ, तो ये अभी होम मिनिस्टर है, याद रखिए। अगर राज्यसभा की बात करें हम लोग, तो ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। साल 2017 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से राज्यसभा में भेजा गया और इस वक्त ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इन्हें चुनाव में राज्य की सीट से राज्यसभा भेजा गया था, याद रखिए। यहाँ था, आप समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये लोकसभा चुनाव जीते हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव जीते हैं, गांधीनगर से आपने सुना होगा, गुजरात से लड़े थे। लेकिन जब पिछली बार ये बीजेपी में थे तब इन्हें राज्यसभा से भेजा गया था 2017 में। एक बात और आपको यहाँ बता दूं कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है इसमें इनका चुनाव करता है जो भी सदस्य होते हैं, जो भी आपके विधायक होते हैं, यही राज्यसभा सदस्य को चुनते हैं, ठीक है। अब 2019 के लोकसभा चुनाव पर हम लोग आते हैं। तो 2019 के चुनाव में अमित साहब का रोल क्या रहा है,
अगर उसकी बात की जाए तो मोदी जी के दाया हाथ कहे जाने वाले अमित शाह जी ने सन 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ा। अब दाया हाथ का समझ रहे हैं कि मतलब बहुत खास मोदी के साहब के हैं, जिन्होंने उन्होंने जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर सी जे चावड़ा को पीछे छोड़ते हुए 5 लाख से भी अधिक वोट से की मार्जिन से जीत हासिल की। अब आप समझ रहे हैं, 5 लाख से अधिक वोटों से इन्होंने जीत हासिल की, जिसके चलते उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के 4.83 लाख वोट्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस के जो डॉक्टर सी जे चावड़ा के बीच था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने जीत हासिल की। और चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अमित शाह ने जी ने 69.7% वोट प्राप्त किए, यानी अमित शाह जी को लगभग आपके 8,80,000 वोट्स हासिल हुए। एक बहुत बड़ी जीत कहलाती है, आप समझिए 5 लाख वोट्स से जीतना एक बहुत बड़ी जीत होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह जी ने बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी। बीजेपी का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की मेहनत के चलते ही नरेंद्र मोदी को 303 सीट्स के साथ पूरे देश में पूर्ण बहुमत मिला। ये अकेले बीजेपी की बात की जा रही है, उसके सहयोगी दल जो है उन्हें अलग है मिली हुई है, ये एक केवल बीजेपी को मिली हुई है एक 330 सीटें मिलना दोबारा। और एक बार सोचिए आप लोग, 2014 में जीतने के बाद दोबारा ये सीटें मिलना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर हिट हो गई और भारत देश में मोदी लहर की क्रांति दोबारा आ गई। काफ़ी सारी रैलियां की थी जिसमें उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाया कि मोदी जी और उनकी सरकार ही देश के विकास को आगे बढ़ा सकती है। इस विश्वास के चलते ही चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सफलता हासिल की और गृह राज्य मंत्री का पद आप सोचिए हासिल किया इन्होंने। अब आप होम मिनिस्टर भी समझ रहे हैं कि होम मिनिस्टर भी गृह मंत्री भी बन चुके हैं। आजकल गृह मंत्री शब्द का यूज कम करते हैं लोग और होम मिनिस्टर का कुछ ज़्यादा ही करते हैं। साल 2019 में शाह बने गृह मंत्री और लोकसभा सदस्य बन जाते हैं और अमित शाह ने गृह मंत्री का पद ग्रहण करते ही सबसे पहले जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म करने की ठान ली और जो कि भारत देश के लिए नासूर बन चुका था। ये मुद्दा मैं कहता हूँ कि बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सालों से चला आ रहा है जम्मू कश्मीर का मुद्दा। तो जैसे ही होम मिनिस्टर बनते हैं अमित शाह और उन्होंने 370 पर और जम्मू कश्मीर पर निर्णय लेना शुरू किया। अगर हम लोग अमित शाह द्वारा 2019 में जो निर्णय लिए गए होम मिनिस्टर बनने के बाद उसकी बात करें तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर को दबाए रखने और वहाँ के बढ़ते हुए आतंक को रोकने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में 35A का उन्मूलन, यानी कि 35A को भी हटा गया और उन्होंने धारा 370 भी खत्म कर दी गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की का मुख्य हिस्सा भारत में जोड़ लिया गया। धारा खत्म होने के बाद वहाँ नए नियम बनाए गए और नए नियमों के अनुसार भारत में एक राज्य और शामिल किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी अलग कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण काम देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। याद रखिए एक बात कि जम्मू कश्मीर में अब वो सभी प्रावधान लागू होंगे जो अन्य राज्यों में अभी लागू होते हैं। अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया हो, नहीं, सब वही मतलब प्रावधान है जो अन्य राज्यों में। और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, आपका जो लद्दाख है उसे केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी आपकी, ठीक है। इन 370 और 35 से क्या है इन पर हम लोग बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं वहां डले हुए एपिसोड। अब बात करते हैं एनआरसी का मुद्दा। देश को एक सबसे बड़ा झटका दिया लेकिन देश में आतंकवाद और गैर कानूनी अपराध को कम करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया जिसे एनआरसी का नाम दिया, जिसके तहत उन्होंने देश से कुछ ऐसे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात कही जो देश में अनाधिकृत रूप से कई सालों से रहते आए हैं और रह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए असम में रहने वाले लोगों की नागरिकता की जाँच पड़ताल की ताकि विदेशियों को पहचान कर उन्हें वापस उनके देश पहुँचाया जा सके। एक बात और यहाँ आपको बता देता हूँ,
ये आपके ही देश में एनआरसी का मुद्दा नहीं उठा हुआ है। हर जो भी विकसित देश है या विकासशील देश है, हर कोई अपने देश में एक एनआरसी यानी कि लिखा जोखा बनाता है कि हमारे देश के नागरिक कौन है और बाहरी हमारे यहाँ कौन रह रहे हैं। कई आप देखते हैं कि यही तो आतंकवादी का फैलने का जरिया है कि आपके अगर देश में कहीं लिखा पढ़ी नहीं हो रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, चुपके से आ जाता है, निकल जाता है, तो कम से कम मालूम तो होना चाहिए कि हमारे देश में कौन रह रहा है, कौन यहाँ का नागरिक है, कौन फर्जी में रह रहा है। तो इसके लिए एनआरसी का मुद्दा भी आया हुआ है। ये काफी आप लोगों ने चर्चा में भी सुना होगा क्योंकि कई बार धरने प्रदर्शन भी इसके खिलाफ होते रहे, कई नेता इसके खिलाफ भी बने रहे हुए, लेकिन अच्छा मुद्दा है, याद रखिए। एक आपने सुना होगा नक्सलवादी का मुद्दा। भारत में कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर नक्सलवाद को लेकर भारतीय नागरिक बेहद परेशान थे, जिनमें से आपने देखा एक छत्तीसगढ़ में हुआ एक बहुत बड़ा धमाका जो नक्सलवादियों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अमित शाह ने नक्सलवादियों को का उन्मूलन करके भारत में उन्हें खदेड़ कर रख दिया। उन्होंने नक्सलवादियों को यही संदेश दिया कि यदि विदेश में रहना चाहते हैं तो सरकार से बचना चाहते हैं तो वे अपने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण भी कर दें, ताकि हम उन्हें भी नहीं कहेंगे और उन्हें देश का नागरिक बनाकर रखेंगे। और उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई जिस पर अमल करना नक्सलवादियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। और याद रखिए कई नक्सलवादियों ने इनके आने के बाद आत्मसमर्पण भी कर दिया, ठीक है, तो अच्छे से जिंदगी भी वो भी जीने लगे। अब आते हैं अमित शाह। अमित शाह आप देखते हैं कि कोई भी नेता हो तो उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई एक बुराई। तो अब कई देखिए, अभी आप हम लोग और आप लोग फैसला नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि इनसे कौन कौन से विवाद अभी तक जुड़े रहे हैं, अमित शाह से कौन कौन से विवाद जुड़े हुए हैं इनकी ज़िंदगी से लेकर। अमित शाह का राजनीति सफ़र इतना आसान नहीं रहा है, इनका नाम कई बार विवादों में भी घिरा है। वहीं नीचे हमने आपको कुछ इनके विवाद भी बताए हुए हैं। एक बात और आपको बताऊंगी, मुझे नहीं लगता है इस समय आप भी जानते हैं कि अगर कोई दो चार मर्डर ना करे, दो चार केस, दो चार दस ना हो, तब तक वो नेता ही नहीं बन सकता है। तो इस तरह का होना लाजमी भी रहता है नेता पर। फर्जी इनकाउंटर का आरोप, साल 2005 में गुजरात में हुए एक इनकाउंटर में 3 लोगों को आतंकवादी बताते हुए मार दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि इस इनकाउंटर के पीछे अमित शाह का हाथ था। इस इनकाउंटर की जांच कर रही सीबीआई ने इसे नकली इनकाउंटर बताया था। वही शाह का आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे लेकर ये इनकाउंटर करवाया था। दूसरा, गुजरात में प्रवेश करने पर लगी रोक, शायद को साल 2010 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर हत्या और वसूली के आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इनको इनके राज्य से बाहर निकाल दिया था और राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि ये रोक साल 2012 में इनके ऊपर से हटाई गई थी। आप लोग देखते हैं कई बार कई केस हो जाते हैं तो उन्हें राज्य निकाला कर दिया जाता है, यानी कि अपने राज्य में दोबारा कुछ दिनों के लिए एक समय सीमा रखी जाती है, उतने समय तक अपने राज्य में नहीं आते हैं। और आपने कई बार अपना जिला पर भी सुनते रहते हैं, तो ऐसा हुआ। फिर आपके गुजरात दंगों के सबूत साफ करने का आरोपी अमित शाह पर लगा हुआ है। साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर भी अमित शाह विवादों में घिरे रहे थे। शाह पर आरोप लगाए गए कि इन्होंने इस दंगे से जुड़े सबूत के मिटाने की कोशिश की। शाह पर यह भी आरोप लगा है कि इन्होंने इस केस के गवाहों को उनके बयान बदलने पर भी मजबूर किया था। महिला की जासूसी करने का आरोप भी इनके ऊपर लगा हुआ है। साल 2009 में अमित शाह पर एक बार फिर विवादों में आ गए जब इन पर एक महिला की जासूसी करने का आरोप लगा था। कहा जाता है शाह ने गैर कानूनी तरीके से और अपनी ताकत के दम पर एक महिला की जासूसी करवा रहे थे। हालांकि शाह ने इन सभी आरोपों को गलत बताया। ये विवाद हैं, याद रखिए, ना तो हम जानते हैं ना ही आप जानते हैं कि क्या सच है, लेकिन ये विवाद बने हुए। अमित शाह से जुड़े कुछ अलग हम लोग बात करें, इनकी अलग और जानकारी, तो शाह को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। अमित शाह का उन राजनेताओं में नाम आता है जिन्हें सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा दी गई है। शाह के साथ हर वक्त 25 कमांडो रहते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। ये ऐसे वैसे कोई पुलिस वाले नॉर्मल तरीके से नहीं रहते हैं, आप समझिए Z+ सिक्योरिटी मतलब हाई सिक्योरिटी। साल मोदी से अगर इनके मिलने की बात करें तो 1982 में इनकी और मोदी की मुलाकात होती है। अमित शाह और मोदी एक ही पार्टी के लिए काम करते और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। कहा जाता है कि साल 1982 में इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। ये दोनों अहमदाबाद में आरएसएस के आयोजित हुए एक कार्यक्रम में आए थे।
वही उस समय हुई इनकी एक छोटी सी मुलाकात जल्द ही दोस्ती में भी बदल गई है। आप भी अभी देखते हैं कि अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आप भी क्या करते हैं, किसी पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो आपकी भी दोस्ती हो जाती है एक दूसरे से। लेकिन इनकी दोस्ती इतनी मतलब अच्छी मतलब बदल चुकी है कि आप देखिए अभी दोनों को एक दूसरे का साथी मतलब किस तरह से बताया जाता है। जय वीरू जोड़ी आप लोगों ने देखी होगी, उसी जैसी बात की जाती है। स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी किया है इन्होंने काम। शाह आज भले ही राजनीति में एक जाना माना चेहरे बन गए हों, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिनों में बतौर एक स्टॉक ब्रोकर भी कार्य किया था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि शाह ने एक सहकारी बैंक में भी कुछ समय तक अपनी सेवाएं दी थी। तो ये है अमित शाह का पूरा जीवन परिचय। देखिए किसी भी नेता के बारे में पूरी जिंदगी रख पाना मुश्किल रहता है, फिर चाहे आप गांधी के बारे में देख लीजिए या फिर किसी के भी बारे में, एक सामान्य जानकारी आपको दे दी जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ बस। अब उनके जिंदगी में क्या कहाँ से बचपन से लेकर पूरा अगर लिखने हम लोग जाएँ तो कई महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल जानकारी है, आपको मालूम होना चाहिए।